आज का हमारा पार्ट है थ्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2007 को अगर बुधवार है तो 20 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डे निकालेंगे। अब ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेनसडे है, एक्चुअल डे है क्या वो तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने पर ही पता चलेगा। तो वो सबसे पहले डेट 1 मार्च का कोड क्या बताया था भाई, 4। आगे की 2 डिजिट सेंचुरी यानी 2000 सेंचुरी का कोड है 6। पीछे की 2 डिजिट क्या है, साल। साल कितने, 7। और 7 सालों में लीप ईयर कितना भाई, 8/7। सभी को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या था, 6 और 4 10 और 17 18 19। 19 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है भाई आपका, 5। 5 पे डे कोड में मैंने आपको लिखवाया था, 5 पे क्या होता है भाई, थर्सडे। अब देखो एक्चुअल दिन तो क्या है, उस दिन थर्सडे, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उस दिन तो वेनसडे है। अब इस थर्सडे को वेनसडे बनाने के लिए मैं कितने दिन जोड़ू या फिर मैं कहूँ कितने दिन घटाऊं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप जोड़ के करते हो या माइनस करके करते हो। तो एक्चुअल डे है थर्सडे, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उस दिन तो वेनसडे था, तो इस थर्सडे को वेनसडे बनाने के लिए मैं इसमें से 1 दिन माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये वेनसडे बन जाएगा। अब नीचे वाला फाइंड आउट करो, सबसे पहले डेट 20 अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6, साल कितनी, 15। 15 सालों में लीप ईयर 3/7। सभी को ऐड करो, 20, 35, 41, 44। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है भैया आपका, 2। 2 पे क्या होता है डे कोड में, मंडे। अब देखो मैंने यहाँ पे ये थर्सडे था, इसको मैंने वेनसडे बनाने के लिए 1 दिन माइनस किया, तो इसका जो एक्चुअल आंसर आया है उसमें से मैं 1 माइनस करूंगा, 1 माइनस करके आंसर दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस का मतलब है 1 दिन पहले, तो पहले क्या होगा भाई, संडे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, संडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 10 जनवरी 2007 को अगर मंडे है तो 20 नवंबर 1906 को कौन सा दिन होगा। एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी जनवरी और फरवरी का महीना दे रखा हो क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो सबसे पहले आप साल चेक करेंगे कि साधारण है लीप ईयर है। तो यहाँ पे 2007 सात है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो सीधी सीधी बात है साधारण साल है। तो साधारण साल में यहाँ पे जनवरी का कोड क्या लोगे, 1। साल 2000 सेंचुरी है इसका कोड 6। साल कितनी, 7। 7 सालों में लीप ईयर 1/7। तो कितना आ गया ये, 10, 11, 7, 18, 19, 25, 7। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 4 पे क्या होता है भाई, वेनसडे। अब एक्चुअल दिन क्या है, वेनसडे, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस दिन तो मंडे है, तो इस वेनसडे को मंडे बनाने के लिए कितने दिन माइनस करूं, इसमें से 2 दिन माइनस कर दूंगा, ठीक है। या बता रहे कि सबसे पहले डेट है 20 नवंबर का कोड 4, 1900 का कोड 0, साल 6, 6 सालों में लिख दिया 1/7। ऐड करो 20, 26, 30, 31। अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है, 3। 3 पे क्या होता है भाई, ट्यूसडे। 3 पे क्या होगा भाई, ट्यूसडे। डे कोड में 3 पे क्या होता है, ट्यूसडे। अब मैंने यहाँ पे इस वेनसडे को मंडे बनाने के लिए 2 दिन माइनस किया, तो ट्यूसडे में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ट्यूसडे में 2 दिन माइनस करने का मतलब है 2 दिन पहले, तो मंडे और संडे, तो आपका आंसर क्या होगा भाई इसका, संडे। इसका आंसर क्या होगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कि 10 फरवरी 2008 को अगर संडे है तो 15 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने कहा था कि जब भी जनवरी फरवरी का महीना हो साल चेक करो, साल कैसी है, लीप ईयर है, क्योंकि 8 और 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हम डे निकालेंगे, तो 10 फरवरी का कोड क्या लेंगे, यहाँ पे 4 ना लेंगे, क्या लेना है, 3, क्योंकि लीप ईयर है। 2000 का कोड 6, साल कितनी, 8। 8 सालों में लीप ईयर 2 डिवाइडेड बाई 7। ऐड करो इनको, 8 और 6 14 और 2 16 और 10 26 और 3 29। 29/7 यानी इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 1। 1 पे क्या होता है, संडे। अब देखो यहाँ पे भी हमारा एक्चुअल दिन संडे आया, और क्वेश्चन वाला भी क्या कह रहा है कि उस दिन तो संडे है, तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना, जो आंसर रहेगा वही रहेगा। तो 15 जून 2013 का बताना है, तो जून का कोड क्या होगा, 5। 2000 का कोड 6, साल 13। 13 सालों में लीप ईयर 3/7। ऐड करो 15 और 5 20, 30, 33, 36 और 6 42। रिमाइंडर कितना आया भाई, 0। 0 पे क्या होता है, सैटरडे। तो आपका आंसर क्या होगा, सैटरडे। ये था आपका पार्ट 3, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।